हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और फिर से मैं आ चुका हूँ इधर घूमने सरे की तरफ, इधर हमेशा करके आता हूँ। और दोस्तों, इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और इधर से जो है ना दोस्तों, देख सकते हैं लाली है, सूर्योदय होने वाला है इसके वजह से। और दोस्तों, फ्रेश मौसम है इधर, देखिए धूल लगा हुआ है दूर दूर तक, और ए साइड से बहुत बेजोड़ धुंध धीरे धीरे घेर रहा है, देख सकते हैं। वो पंचायत कचरा वाला घर है उसके उस साइड में जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध है, धीरे धीरे घेरना स्टार्ट कर दिया है। ये धुंध जो है ना आधा एक घंटा के लिए है बस। तो अभी थोड़ा सा घूमते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद घर पर चलेंगे। और दोस्तों, इस समय तक क्या बोलते हैं, फेरी का बहुत ही मंदा चल रहा है, कल मात्र 1200 का ही सेल कर पाया है, आज देखते हैं कितना का सेल हो पाता है। तो पहले इधर से घूम के चलते हैं, उसके बाद में फिर टाइम से निकलेंगे फेरी पर। देख सकते हैं दोस्तों, कितना इधर से धुंध घेरना स्टार्ट कर दिया है, और ये साइड में भी फ्रेश है, इधर भी फ्रेश है, देख सकते हैं। सूर्य दर्शन कीजिए दोस्तों, कितना प्यारा सा व्यू है, देख सकते हैं सूर्योदय हो चुका है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः, जय सूर्यदेव। दोस्तों, अभी टाइम हो गया है लगभग 8:30, और उधर से आया हूँ लगभग 7:15। उसके बाद में 1 घंटा किताब पढ़ा हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन किया, उसके बाद में भी देख सकते हैं इधर पानी उनी भर लिया हूँ बाल्टी में, और अभी चलते हैं स्नान करते हैं। अभी 8:30 हो रहा है, तो स्नान स्नान करके खाना वाना खा करके फिर 9:30-10 बजे से निकलेंगे फेरी पर। चलते हैं दोस्तों, स्नान कर लेते हैं। तो स्नान अभी कर लिया और टाइम अभी हो गया है दोस्तों 9:15। तो अब खाना खाते हैं, पूरी तरह से तेल लगाकर फिट हो गया हूँ, और खाना खाना बाकी है, तो खाना खा के और उसके बाद में निकलेंगे। माल उल अभी लोड नहीं किया है, तो चलते हैं दोस्तों खाना खा के फिर मिलते हैं। अभी खाना का थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा लेट है अभी खाना में। तो दोस्तों, अभी खाना आ गया है, चावल है और आलू और कच्चा केरैया उसका सब्जी है, तो खाते हैं। और दाल अभी आ रहा है दोस्तों, दाल सब्जियाँ भूल जाए क्या दोस्तों, दाल भी आ गया तो खाते हैं। हट रहे, हट सरो, भाग भाग। तो दोस्तों, अभी टाइम 9:45 हो गया है, और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। धूप देख सकते हैं किस तरह का है, ठीक धूप है। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल घूमते हैं और देखते हैं फर्स्ट मॉर्निंग कब तक होता है, तो फिर मिलते हैं 1-2 गाँव में घूम करके। दोस्तों, अभी टाइम 10:30 होने वाला है, 10:20 हो रहा है, 21 मिनट। और दोस्तों, हमारा पहला बोनी हो चुका है पिछला वाला गांव में, फर्स्ट गांव में ही 340 रुपये से 2 कुर्ती और 1 लहंगी बिका है। तो बोनी तो दोस्तों हो गया है, और ऐसे वो कुर्ती जो मैं बेचा हूँ और 10-10 रुपया जो बिक्री रेट है उससे कम ही में बेचना पड़ा है, क्योंकि बोनी का समय था और 10 रुपये अगर कम नहीं करते तो नहीं बिकता है। तो 340 रुपये में तीनों बिका है, वो कुर्ती एगो लहंगी, 340 में 80 रुपये का इनकम हुआ है। अगर 10 रुपये छोड़ते तो वो भी नहीं होता, क्योंकि ले करके छोड़ रहा था 10 रुपये के लिए, तो 10 रुपये कम कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी चलते हैं घूमते हैं अगला गाँव में, घूम करके फिर मिलते हैं, देखते हैं इस गाँव में होता है कि नहीं। अगला गाँव वो साईपुर मधुरापुर, 2 गाँव सबसे सबके हैं, गाँव घूम करके और फिर मिलते हैं। कौन देवता के पूजा होइ छै? कौन देवता के पूजा होइ छै? कौन? कारिक, कारिक, कारिक महाराज। तो दोस्तों, यहाँ पे कारिक महाराज के पूजा हो रहा है, तो वही स्नान में जा रहा है सब। और दोस्तों, अभी एक ही गाँव घुमा हो खाली, को साईपुर में तो 320 रुपये का सेल हुआ है दोस्तों, 3 गो गमछा, हाफ पैंट, गंजी, टी शर्ट, ये सब कच्छा उच्छा सब मिला करके छोटे छोटे बच्चा का 320 रुपये का सेल हुआ है, 50 रुपये उधारी मिला है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, और अभी चलते हैं मधुरापुर में घूमते हैं, अगला गांव मधुरापुर है, मधुरापुर में घूम के फिर मिलते हैं, देखते हैं मधुरापुर में सेल होता है कि नहीं। तो
दोस्तों मथुरापुर नहीं घूमा हूँ, पूजा हो रहा था ना तो रास्ता घिरा गया हुआ था, तो शॉर्टकट में सीधे डायरेक्ट चले आए हैं इधर, तो छोड़ दिया हूँ, दूसरे दिन घूमूंगा मथुरापुर में। अभी चलते हैं दोस्तों, अगला गांव जो है ना बिशुनपुर है, बिशुनपुर घूमते हैं ना रामनगरा, उसके बाद रामनगरा घूमेंगे, तो चलिए घूमते हुए चलते हैं। तो पिछला वाला गाँव कोरिहार था, कोरिहार घूमे हैं, इसमें 200 का सैलरी हुआ है, 3 गो गमछा और 5 गो कच्छा जन्मोती बच्चा का। अब चलते हैं दूसरे, अब चलते हैं बिशुनपुर गांव वाली। तो दोस्तों अगला गांव बिशुनपुर आ गया, रामनगरा बिशुनपुर, तो अब चलते हैं इस गांव में घूमते हैं। फाइनली दोस्तों बिशुनपुर गांव घूम लिया, बिशुनपुर में लगभग एक गमछा खाली बिका है बस। दोस्तों सेलिंग जो है ना कम तो चल ही रहा है, ऐसे भी हमारे पास आइटम बहुत सारा ख़त्म हो गया है, जैसे कि सूती वाला प्लाजो व्लाजो ये सब ख़त्म हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे आइटम है लेकिन कुछ आइटम ख़त्म हुआ है। और दोस्तों अभी अगला गांव जो है ना बराही है, ये बराही स्कूल है देख सकते हैं, तो ये बराही स्कूल है और अगला गांव बराही है, उसके बाद में एक और गांव है कोई ध्यान में नहीं आ रहा है, उसके बाद सुप्पी है। तो दोस्तों अभी बराही, दो गो बराही है यहाँ पर, मतलब बराही एक ही है लेकिन दो गो बड़ी बड़ी टोला है, दो गो गाँव जैसे है। तो ये गाँव में घूमा हूँ और इसमें जो है ना 170 का सेल हुआ है, टेप कच्छा और लैगी ये सब मिला करके। अभी चलते हैं ब्राही में ही, वो दूसरे वाले टोला में, वो भी बहुत बड़ा टोला है, चलते हैं घूमते हैं उस, देखते हैं उस टोला में कितना का सेल होता है। दोस्तों ब्राही गांव भी घूम लिया और अब चलते हैं सीधे अगला गांव, एक और गांव है। और दोस्तों यहां पे जो है ना संतोषी माता का मंदिर है देख सकते हैं, तो अगला कौन सा गांव है वो पूरा पता नहीं है, वहाँ पे चलने के बाद पता चलेगा। आते हैं हमेशा इधर बेचने लेकिन इस गांव का नाम मालूम नहीं है, इस गांव में घूमने के बाद जो है ना उसके बाद सुप्पी है वो मालूम है। चलते हैं इस गांव में घूमते हैं, देखते हैं कितना सेल होता है। दोस्तों पिछला गांव घूमे हैं ब्राही दूसरा वाला टोला में, तो उसमें जो है ना 4 सेट प्लाजो सेट बिका है, उसके बाद में बंडी पैंट मिला करके 880 रुपये का सेल हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं अगला गाँव में। लुंगी गमछा लीजिए, लहंगे कुर्ते प्लाजो लीजिए, बंडी टी शर्ट पैंट लीजिए। तो ये वाला गांव जो था ना बोखठा था, बोखठा बना ही, तो बनाई तो घूम लिए थे और ये बोखठा था। तो अभी इस गांव में सेल नहीं हुआ है एक भी, कुछ भी सेल नहीं हुआ है, कोई पूछा भी नहीं है इस गांव में। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल अगले गाँव सुप्पी है, सुप्पी गाँव में घूम के फिर मिलते हैं, देखते हैं सुप्पी में होता है कि नहीं सेल, तो सुप्पी गाँव घूम करके फिर मिलते हैं। अभी सुप्पी गांव भी घूम लिया और सुप्पी गांव में वो कच्छा और वो बंडी बिका है, यानी कि 40-80 रुपये का सेल हुआ है। चलते हैं फिलहाल, अभी चलते हैं अगला गांव जो है ना रामनगरा की तरफ से चलते हैं। तो दोस्तों इधर जो है ना पावर हाउस है, आइए साइड में चिमनी है देख सकते हैं ईटा पकने वाला, और ऐसे एक एरिया में जो है ना जाते जाते लगभग 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे हो जाता है, और किसी किसी एरिया में तो एक एक महीना हो जाता है, लेकिन अभी मैं इस एरिया में जो है ना 8 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये साइड में पावर हाउस है, सुप्पी पावर हाउस, और इस साइड में हाई स्कूल है, सुप्पी हाई स्कूल। तो इधर से भी अंदर जाने का रास्ता है देख सकते हैं इधर से, यहाँ से, लेकिन मेन रास्ता जो है ना आगे से है, तो फिर आगे से आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का व्यू है। ऐसे तो पिछला वाला वीडियो में देखे होंगे पहले वाले में, लेकिन इस वाले में भी दिखाते हैं देख सकते हैं इस प्रकार का है सुप्पी हाई स्कूल। तो अगला गांव जो है ना रामनगरा, अभी चलते हैं रामनगरा घूमते हैं, रामनगरा में देखते हैं सेल होता है कि नहीं होता है। दोस्तों अभी मैं सुप्पी गांव की तरफ से आ रहा हूं और ये साइड में जो है ना चला जाता है सीधे सुप्पी ब्लॉक में, और अभी मैं ये साइड से चलता हूं रामनगरा की तरफ। फाइनली दोस्तों रामनगरा भी घूम लिया, इस गाँव में लगभग 500 के आसपास सेल हुआ है, और अभी चलते हैं, दोबारा 5 हो गया है अभी, तो चलते हैं थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद में सीधे घर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ, और दोस्तों आज है ना पेट्रोल आज नहीं डलाया है, सिर्फ नाश्ता किए हैं 14 रुपये का, और अभी चलते हैं दोस्तों घर,
लगभग बेर अभी डूबा नहीं है, 5 मिनट में डूब जाएगा। 5:30 बजे बेर डूबता है, सूर्यास्त जो है ना 5:30 बजे होता है, तो अभी लगभग 5:30 होने ही वाला है। तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ दोस्तों। और टोटल कितना का सेल हुआ है वो घर पर चलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी टोटल सेल गिनती नहीं किया है। लेकिन दोस्तों ये अनुभव से बता रहा हूँ कि 2000 प्लस का सेल है आज। तो चलिए अब चलते हैं घर पे और कितना का सेल हुआ है फिर बताते हैं। आते आते रास्ते में दोस्तों 50 रुपया उधारी मिला है, 100 रुपया उधार था तो 50 रुपया दिया है। बहुत दिन से हैरान कर रहा है, पैसा लगभग फागुन का ही है, यानी कि साल भर होने वाला है पिछले मार्च का, और अभी 50 रुपया मिला है, 50 रुपया बाकी लगा दिया। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों घर पे, और बेर डूब चुका है दोस्तों, अब थोड़ा देर में अंधेरा ही होगा, 5 से 10 मिनट में। और दोस्तों हार मानकर नहीं बैठे हैं, क्योंकि जितना फेरिया वाला भेटा रहा था, जितना फेरिया वाला मिल रहा था रास्ते में, वो सब बोल रहा था कि काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। बहुत आदमी खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था रास्ते में, लेकिन हिम्मत करके और लगातार फेरी करते गए। तो आखिरकार थोड़ा थोड़ा ही होते होते सेल मस्त हो गया है। चलते हैं गिनते हैं दोस्तों घर पर कितना का सेल है टोटल। दोस्तों अभी आ गया घर, और अभी माल अभी उतार लिया है, गाड़ी को लगा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए गाड़ी को लगाते हैं। और दोस्तों ये 1000 रुपया है, दे सकते हैं, ये टोटल है, जैसे जैसे मिला हुआ है वैसे रखे हुए हैं। एक बार सरियाए हुए थे 12 बजे के आसपास, उसके बाद में ये सब है। तो सबको गिनती अब करते हैं टोटल कितना होता है। तो चलिए सारे को सरिया करके गिनती कर लेते हैं। तो दोस्तों सारे को सरिया लिया, दे सकते हैं, अब सबको टोटल को गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 और इधर 4, 11, 222। दोस्तों 2200 ये है, और 800 रुपये अकाउंट में हो जाया था, 800 और 2200, 3000 रुपये हमारे पास टोटल है, जिसमें मैं लेकर गया हुआ था 620 रुपये। तो 620 माइनस करेंगे तो जाता है 2480। आज का सेल दोस्तों 2480 का सेल हुआ है। तो सेल आज ठीक हुआ है, मस्त हुआ है, बहुत काम मंदा चल रहा है इस समय, फिर भी इतना का सेल हो गया तो ठीक हुआ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।